दिल्ली दौरे से लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात को लेकर कहा। प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। 20,000 प्रधानमंत्री आवास के DPR पर बात हुई। स्वच्छता के साथ पेयजल आपूर्ति के संबंधित योजनाओं पर चर्चा हुई है। कई योजनाएं तैयार हो रही हैं। जल्द ही रेल कनेक्टिविटी का छत्तीसगढ़ में विस्तार करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं पर उनसे चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में रेल के विस्तार पर भी उनसे चर्चा हुई। अभी जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर भी उनसे बातचीत हुई है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में जैसी रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं है। और अब अनेक परियोजनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है, विचाराधीन है। कई परियोजनाओं का DPR तैयार हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे और छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के साथ रेल परियोजनाएं स्वीकृत करेंगे। धान संग्रहण केंद्रों में अनियमितताओं पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। परमिसिबल लिमिट से अधिक शॉर्टेज पाया गया तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। दंतेवाड़ा विधायक भवन के जीर्णोद्धार पर PCC चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल में दीपक बैज को कुछ दिखा था या नहीं, वे अपने सरकार की समय की बातों को जनता को बताएं। देखिए, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और जहाँ पर भी जो परमिसेबल लिमिट है उससे अधिक शॉर्टेज पाया जाएगा, निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे घर वापसी अभियान और छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास नीति का स्थानीय नक्सली लगातार लाभ ले रहे हैं। एक महिला सहित 2 पुरुष ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये दी गई। घर वापसी अभियान के तहत अब तक 186 इनामी नक्सलियों सहित कुल 844 नक्सली समर्पण कर मुख्य में जुड़े हैं। राजनांदगांव के सेंट्रल इंडिया नर्सिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल में पास करने के लिए 5,000 रुपये मांगने का आरोप प्रबंधन पर लगा है। सेंट्रल इंडिया नर्सिंग कॉलेज की छात्रा प्रिया मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उसके कॉलेज के मैनेजमेंट के 2 टीचर्स ने प्रिया मिश्रा से प्रैक्टिकल में पास करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की थी और मुझे जाति के नाम से बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा आप प्रिया मिश्रा ने कॉलेज के ऊपर लगाया है। मैं शिकायत लेके आई हूँ सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, जहाँ मुझे 6 महीने पहले कहा गया था कि तुम अगर 5,000 नहीं दोगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिया जाएगा। और जैसे ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ, मुझसे 5,000 की डिमांड की गई, जिसमें मैंने 5,000 उन्हें नहीं दिया तो मुझे प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिए गए। और मुझे जातिवाद के नाम से भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से मैं कलेक्टर सर के पास आई ये कंप्लेन लेके। मिस्टर नीलेश मसीह सर जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, और योगेश साहू जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो मेरे क्लास टीचर थे। कुएं में गिरे लकड़ी को निकालने एक व्यक्ति उतरा जिसका दम घुटने लगा। उससे बचाने बारी बारी से 4 लोग नीचे उतरे और जहरीला गैस रिसाव के कारण मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को सूचित किया। रेस्क्यू टीम पहुंचते ही निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जांजगीर चंपा के पुलिस अधीक्षक महोदय विवेक शुक्ला सर पहुँचे हैं। CM विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के दौरे पर रवाना हुए। CM साय बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे। रवानगी से पहले रायपुर पुलिस ग्राउंड में CM साय से पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दौरे की जानकारी देते हुए कहा, बगिया में शाला प्रवेशोत्सव 18 जून को होना था लेकिन गर्मी ज्यादा थी, इस वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। शाला प्रवेश उत्सव है, 18 जून को होना था लेकिन गर्मी ज़्यादा थी, अभिभावकों का बड़ा आग्रह था कि 1 सप्ताह छुट्टी बढ़ा दिया जाए,
तो एक सप्ताह छुट्टी बढ़ा दिए थे, फिर 26 जून से स्कूल का शुभारंभ हुआ है। और आज जसपुर में बगिया में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन है प्रदेश स्तर का, जिसमें हम जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री और जसपुर के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी वो भी जा रहे हैं, हमारे विधायक खुशवंत साहब वो भी जा रहे हैं।